नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। अयोध्या से ताल्लुक रखने वाले सिंगर ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतकर अपने नाम कर ली है। कभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भजन कीर्तन करने वाले ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतकर सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल 13 का खिताब जीतने के बाद अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले। हाल ही में ऋषि सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें गोद लिया गया है तो उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने ये सच्चाई पता लगने के बाद खुद को कैसे संभाला। इंडियन आइडल के विनर ऋषि सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने आगे के प्लान्स के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें शो पर ही इस बात का पता लगा कि उनके माता पिता ने उन्हें गोद लिया है। ऋषि सिंह का कहना था कि निश्चित तौर पर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी और मैं ये जानकर बिल्कुल ही सन्न रह गया था। मुझको लगता था मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सच्चाई को स्वीकार करना था, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकता। मुझे लगता है कि हम कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं आपस में, ये चीज सबने देखी है। वह मुझसे और हमारी कहानी से रिलेट कर सकते हैं। ऋषि सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है जो भी अन्य परिवार है जिनकी कहानी हमारी तरह है, उन्हें इससे सच स्वीकार करने में हिम्मत मिलेगी। मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ऋषि सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने हनुमानगढ़ी में अपनी जीत के लिए मन्नत मांगी थी, जिससे भगवान ने सच कर दिया और वो अब जल्द ही अयोध्या जाकर कनक भगवान राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाले हैं। इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे जिनसे वो ग्रैंड फिनाले की तैयारी की वजह से मुलाकात नहीं कर पाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आइडल का सीजन 13 जीतते ही ऋषि सिंह के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ रहे हैं। इस जीत के बाद अब वह जल्द ही वर्ल्ड टूर पर निकलने वाले हैं। अब देखना होगा कि कब वो किसी नए प्रोजेक्ट पर हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।